एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एक टाइप का प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है फॉल्टी कंडीशन में इक्विपमेंट्स को हाई करेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएटली सर्किट को ब्रेक कर देता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर का यूज किया जाता है जो कि एयर रिजर्वायर टैंक में स्टोर रहता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का मेन फंक्शन होता है फॉल्टी कंडीशन में जब करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे से सेपरेट होता है तो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है तो उसी आर्क को कम से कम टाइम में रिमूव करना उसको एक्सटिंगूज करना एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को लो एंड मीडियम वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए डिजाइन किया जाता है इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पर जब आप ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है एक एयर रिजर्वायर टैंक रहता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर फिल्ड रहता है और टैंक के ऊपर होलो इंसुलेटर माउंटेड रहता है जिसके थ्रू कंप्रेस्ड एयर आर्क क्वेंचिंग चैम्बर तक पहुंचता है और आर्क को क्वेंच करता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर that is axial blast air circuit breaker cross blast air circuit breaker and radial blast air circuit breaker to is video mein different air blast circuit breakers ke construction aur uske working ko detail mein samjhenge after watching the video अगर आपको लगेगा कि ये चैनल आपके लिए helpful है तो please चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर एक्सीयल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर डिफरेंट मेन पार्ट्स से, से मिलकर कंसिस्ट होता है एयर रिजर्वायर टैंक एयर रिजर्वायर टैंक एक मेटालिक टैंक होता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर स्टोर रहता है सम गैसेजार ऑलसो यूज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन फ्रियोन और हाइड्रोजन आर यूज एज अ आर्क इंटरप्टिंग मीडियम एयर बल्ब ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन एयर बल्ब को जब ट्रिपिंग इम्पल्स मिलता है तो जो बल्ब है वो ओपन हो जाता है आर्किंग चैम्बर आर्किंग चैम्बर एक क्लोज चैम्बर रहता है जहाँ पर मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करता है तो आर्क जनरेट होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एक पोजीशन पर फिक्स रहता है और जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो स्प्रिंग के हेल्प से मूव करता है स्टार्टिंग में जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट के साथ स्प्रिंग के हेल्प से अटैच रहता है सीरीज आइसोलेटर इसका यूज वोल्टेज क्लियरेंस के लिए करा जाता है स्टार्टिंग में फिक्स एंड मूविंग कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है और करेंट को कैरी करता है जब ट्रांसमिशन सिस्टम में किसी टाइप का फॉल्ट अकर होता है तो एयर बल्ब को ट्रिपिंग इम्पल्स मिलता है और बल्ब ओपन हो जाता है और जो कंप्रेस्ड एयर है वो आर्किंग चैम्बर में जमा होने लगता है और जो वहाँ पे मूविंग कॉन्टेक्ट है वो एयर के फोर्स के कारण फिक्स्ड कॉन्टेक्ट से सेपरेट हो जाता है जैसे ही मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करता है तो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच का जो एयर रहता है वो हाई टेम्परेचर के कारण आयोनाइज हो जाता है एक कंडक्टिंग मीडियम बन जाता है जहाँ से एज अ आर्क जो करेंट है वो फ्लो करती है इस तरह जब आर्क का फॉर्मेशन होता है तो जो कंप्रेस्ड एयर है वो आर्क के लॉन्ग एक्सियल डायरेक्शन में एक्ट होता है जब कंप्रेस्ड एयर प्रेशर के साथ आर्क पर स्ट्राइक करता है तो आर्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाता है और जो उसका लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है सिंस जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर मतलब आर्क का जब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि पाथ का डाईलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है जब एयर ब्लास्ट के हेल्प से कॉन्टैक्ट्स के बीच का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो जाता है तो जो आर्किंग प्रोडक्ट्स है वो एटमोसफियर में बाहर चला जाता है और दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में बनने वाला आर्क एक्सटिंग हो जाता है मतलब कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और जैसे ही आर्क रिमूव होता है तो जो सीरीज आइसोलेटर है उसको ओपन कर देते हैं ऐसा करने से वोल्टेज क्लियरेंस मिल जाता है क्योंकि फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच का जो गैप रहता है वो बहुत ही स्मॉल रहता है तो वहाँ पर फिर से दोनों कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस होने का चांस रहता है और इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत ही क्विकली परफॉर्म होता है नेक्स्ट है क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है लेकिन इसमें एयर का जो ब्लास्ट है वो आर्क को क्रॉस करते हुए बाहर की ओर जाता है एयर के ब्लास्ट के कारण आर्क का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पर आर्क स्प्लिटर्स लगा हुआ है जिसका मेन फंक्शन होता है आर्क के लेंथ को इंक्रीज करना और अभी हम लोगों ने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जब आर्क का लेंथ इंक्रीज होगा तो दोनों कॉन्टेक्ट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा मतलब कि वहाँ पर डायइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगा एंड ड्यू टू क्रॉस एयर ब्लास्ट कॉन्टेक्ट्स के बीच का डाईलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई हो जाता है और दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में बनने वाला आर्क कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है नेक्स्ट है रेडियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर रेडियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम एक्सीयल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर के जैसा होता है यहाँ पर मेन डिफरेंस यह होता है कि इसमें एटलीस्ट टू एयर ब्लास्ट अरेंजमेंट लगा हुआ रहता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप एनिमेशन के थ्रू समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें